दोस्तों, अगर आप गोवा आ रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आप जॉब के पर्पस से गोवा आ रहे हो? क्योंकि गोवा में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है रूम रेंट पे लेना। तो दोस्तों, आपको रूम रेंट पे लेना क्यों चाहिए और अगर आप किसी अच्छी जगह पे रूम रेंट पे लेते हो तो आपको कितना रेंट देना पड़ेगा? अगर आप वैरना इंडस्ट्रियल स्टेट में आपकी जॉब लगी हुई है बट आपको वहां पे रूम अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप कहाँ पे जाके रूम सर्च कर सकते हो? तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी सेफ होगी, अच्छी होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं गोवा के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, आप लोगों से जॉब अपडेट्स देता हूँ। चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोवा में रूम का जो रेंट होता है वो स्टार्टिंग होती है 4 से 5 हज़ार में। बट जो 4 से 5 हज़ार वाला जो रूम होता है दोस्तों, वो इतने अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, इतनी अच्छी लोकेशन में नहीं होता है। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट जिनका बजट जो है, जिनकी सैलरी गोवा में अगर अच्छी है, अगर वो 40-45+ अगर अर्न कर रहे हैं मंथली, तो उनके लिए जो काफ़ी प्राइम लोकेशंस पे भी रूम अवेलेबल है दोस्तों, तो उसके लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं? देखिए, अगर आप वैरना इंडस्ट्रियल में जॉब करते हैं जो कि साउथ गोवा में इस्टेब्लिश है, अगर आप वहाँ पे आपकी जॉब लगती है किसी भी कंपनी में जैसे इंडिको, IFB, सीमेंस, तो उसके लिए जो बेस्ट लोकेशन है ना दोस्तों, अगर आपकी आपकी सैलरी अगर अच्छी है तो उसके लिए आप मजोड़ा, उतोड़दा या नुवेम जैसे लोकेशन पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको 10 से 12 हज़ार में फुली फर्निश्ड 1 BHK आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे AC, फ्रिज, बेड, वार्डरोब, TV, इस टाइप की वॉशिंग मशीन्स, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप दोस्तों, आपकी सैलरी मिनिमम 15,000 या 20,000 है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4 से 5 हज़ार वाला ही रूम लें, क्योंकि गोवा में 4 से 5 हज़ार में आपको एक सिंगल बेडरूम मिल जाता है जिसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा और उसमें ही एक छोटा सा स्लैब डला होगा किचन के लिए। तो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो आप मुझसे। बाकी इस वाले जो 4 से 5 हज़ार वाले जो रूम है दोस्तों, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहाँ पे जा सकते हो सर्च करने के लिए? देखिए, वैरना के नियर बाय जैसे कोटालिम विलेज, सैन कुआले, इस जगह पे ये सस्ते रूम आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। या फिर आप बिरला क्रॉस या टाइटन गेट के नियर बाय सर्च कर सकते हो, नियर मस्जिद भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको ईजिली ये रूम अवेलेबल मिल जाएंगे। दोस्तों, आप ब्रोकर के थ्रू जब भी आप गोवा आते हो, ब्रोकर के थ्रू रूम मत लो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो 1 महीने का चार्ज होगा वो ब्रोकर ले लेगा आपका। अगर आप इनकेस 10 हज़ार का रूम लेते हो तो 10 हज़ार आपको ब्रोकर को पे करने पड़ेंगे, प्लस 2 मंथ का एडवांस और 1 मंथ जो आपका रेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। जब भी आप रूम लो दोस्तों, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आप रूम एग्रीमेंट जरूर बनवाओ ओनर से। अगर रूम एग्रीमेंट अगर आपका बना होता है तो उससे आपका अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो एज ए आईडी प्रूफ आप काम कर सकते हो, उस रूम एग्रीमेंट को ले सकते हो। प्लस अगर आप कोई अपना कन्वेंस लेने जाते हो तो आपको रूम एग्रीमेंट कंपलसरी वहाँ पे मांगा जाएगा, क्योंकि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, तो इसलिए आपको रूम एग्रीमेंट वहाँ पे शो करना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन अपनी जरूर करवाओ दोस्तों, क्योंकि आप जब भी रूम लेने जाओगे आपको पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट है, आपको इसके बगैर आपको वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सारी जो बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो ना तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको दोस्तों कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और रूम के रिगार्डिंग मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, तो अगर आपको वो देखनी हो तो नीचे जाके चैनल पे देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी जॉब्स अपडेट के बारे में बताता हूँ दोस्तों, जॉब्स अपडेट जो है, कैसीनोज की जॉब आ चुकी है, तो आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप पंजिम में सस्ते अकोमोडेशन पे आप कैसीनो में जॉब कर सकते हैं, लाइक हाउसकीपिंग या फिर फ्रंट ऑफिस की जॉब्स जो होती है कैसे कर सकते हैं वहाँ पे। प्लस ITI या मैकेनिकल जॉब्स आपको कैसे मिलेगी वैरना इंडस्ट्रियल स्टेट में या नॉर्थ गोवा थेवे में इंडस्ट्रियल स्टेट में, तो ये सारी जानकारी आने वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।